महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था, और अंतिम दिन जब भीम ने दुर्योधन को लड़ाई के लिए ललकारा तो दुर्योधन उससे बचने के लिए एक तालाब में जाकर छुप गया था, एक सरोवर में जाकर छुप गया था। यही है वो जगह जहां पर ब्रह्मा जी ने किया था यज्ञ, और यज्ञ के बाद में ब्रह्मांड की थी रचना। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर आ चुका हूं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। दोस्तों, इस जगह को कहा जाता है धर्म नगरी, और कुरुक्षेत्र में आने के बाद हम यहां के तीर्थ स्थानों के बारे में ना पढ़ें और ना जाएं वहां पर तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, हम यहां पर सबसे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं यहां के सबसे ज्यादा पवित्र एक ऐसे सरोवर की जिसका इतिहास अपने आप में महाभारत और बहुत सारे पुराणों में भी सुना जाता है। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस जगह को कहा जाता है ब्रह्म सरोवर, यानी कि ब्रह्मा भगवान का एक सरोवर, एक ऐसा कुंड जिसका निर्माण करवाया था, जिसका निर्माण की पहली नींव रखी थी ब्रह्मा भगवान ने। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये इतना बड़ा एक सागर देख पा रहे हैं, जिसको लघु सागर के नाम से भी कई जगहों पर जाना जाता है, ये पूरे का पूरा है आप लोगों का ब्रह्म सरोवर। ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से आज ये बना है लोगों का आने जाने का एक बहुत बड़ा पॉइंट, तो अभी हम इस जगह को करेंगे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर और पता लगाएंगे इसके उस इतिहास के बारे में जो हमें यहाँ पर आने पे कर देगा मजबूर, और जो आपको अपने पवित्र भारत की महाभारत रामायण जैसी चीजों के बारे में भी देगी बहुत सारी जानकारी। तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज्यादा पाक पवित्र माना जाता है, और ऐसा बोलते हैं कि एकमात्र इस पानी के अंदर नहाने से बड़ा जो यज्ञ होता है अश्व यज्ञ जिसे कहा जाता है वो प्राप्ति आपको मिलती है। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर के राजा थे सनवरण, जिनकी शादी हुई थी सूर्य पुत्री ताप्ती के साथ में, और उनके पुत्र को कहा जाता था कुरु, और उन्हीं के नाम से जाना जाता है आज का ये कुरु क्षेत्र, यानी कि कुरु की भूमि कुरुक्षेत्र। यहाँ पे स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तिकार की जो कला होती है उन पे खोद कर काफी सारे डिजाइन बनाए गए हैं जो कि उस समय को सीधे का सीधा रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा दिया जाने वाला शिक्षकों को ज्ञान, और इसी प्रकार से हम अगर द्रोणाचार्य का संवाद किसी दूसरे ऋषि मुनि के साथ में हो रहा है, यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पे शिवलिंग जो स्थापित किया गया था उसकी बहुत अच्छी यहाँ पे चित्रकला आपको दिखती है। इस ब्रह्म सरोवर तीर्थ स्थान पर काफी सारे आपको नहाने के घाट मिल जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर आप आराम से स्नान कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ से ऊपर से इसका व्यू देखते हैं कि कैसा हमें ये दिखाई पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि जो नवंबर और दिसंबर महीना होता है उस समय यहाँ पर गीता समारोह किया जाता है, जिस समय यहाँ पे कई लाखों की तादाद में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और अलग अलग मान्यताओं के साथ में इस जगह को पूजते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सुबह के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ठंडी हवाएँ चलती हैं और वो आप लोगों को सीधा आपकी प्रकृति के साथ में जोड़ती हैं। अभी यहाँ का जो पूरे का पूरा नजारा है ये बहता हुआ पानी, और इसी के बीच में हम देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे जो पक्षी हैं वो पानी के अंदर किस तरीके से अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों को बहुत ज्यादा दर्शनीय और बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। तो पंडित जी, इस चीज को लेकर लोगों की किस प्रकार की आस्थाएं जुड़ी हुई है? यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसका नाम है, तो कुरु राजा के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम शहर कुरुक्षेत्र पड़ा। कौरव पांडव के बुजुर्ग हुए कुरु राजा के नाम से कुरुक्षेत्र शहर है। कुरु राजा के नाम से इस तीर्थ का नाम कुरुक्षेत्र है। ब्रह्मा जी के नाम से ब्रह्म सरोवर, दो नाम है सरोवर के। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो कुरु राजा एक बार जब यहाँ पर आए, शिकार को तीर मारे उन्होंने, हिरण को तीर मारे, चार नहीं लगे, उठाए तो मिट्टी लग गई उनके हाथ पे, जान जा मिट्टी लगी, उनके शरीर में जान आ गई।
क्योंकि उनका शरीर बज्जर का पत्थर का हो जाता था, उनको शराब था। रात को घर पे जाकर जब यहाँ से वो सोए तो उनका सारा शरीर बज्जर का पत्थर का हो गया, लेकिन हाथ उनका ऐसे ऐसे हिल रहा। तो रानी ने पकड़ा, अचंभा किया कि राजा का शरीर तो पत्थर का बज्जर का हो जाता था, हाथ पकड़ा छोड़ा भी शायद राजा को कोई भूत प्रेत तो लड़ गया, क्या हो गया। तो राजा जब नॉर्मल स्थिति में आए तो राजा से पूछा कि राजन आप कहाँ गए, क्या घटना घटी कि आपका शरीर तो सारा बज्जर का पत्थर का हो जाता था, आपको शराब था लेकिन आपका हाथ हिल रहा था, मैंने पकड़ा छोड़ा। तो राजा ने बताया कि मैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर ब्रह्मकुंड पे गया, मैंने वहाँ पर हिरण को शिकार को तीर मारा, राजा लोग शिकार करते थे तो तीर नहीं लगे, मैंने उठाई मिट्टी लगी। तो रानी बोली मुझे भी वो जगह दिखा के लाओ जहाँ पर आपके साथ ये घटना घटी। फिर राजा रानी यहाँ पर आए, राजा ने यहाँ पर स्नान किया, राजनी ने स्नान किया तो राजा शराब से कोट से मुक्त हो गए। गुरु राजा ने फिर सरोवर की खुदाई कराई थी, गुरु राजा के नाम से कुरुक्षेत्र तीर्थ। विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, हमारे थ्रेसर शहर में थ्रेसर राजा है उनके नाम से थ्रेसर शहर भी है। तो थ्रेसर शहर में नाभि कमल जगह है जहाँ पर विष्णु भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल के अंदर से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बैठ के तपस्या किया, यज्ञ किया, जो मेरे बैक साइड पीछे देख रहे हो आप, ये मंदिर है सर्वेश्वर महादेव, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बैठ के तपस्या किया, यज्ञ किया, शिव भगवान की शिवलिंग स्थापना करके सृष्टि रचना रची, इसलिए इसका नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा। सबसे बड़ा लगता है यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला, सूर्य ग्रहण अभी 21 जून को 2020 में सूर्य ग्रहण आ रहा, पहले दिसंबर में सूर्य ग्रहण था। तो सूर्य ग्रहण के टाइम पर कम से कम यहाँ पर 20-25 लाख लोग आएंगे। कृष्ण भगवान ने ऐसा देखा कि जो पांडव हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं है उस युद्ध को लेकर। अर्जुन बार बार ये वाली बात कह रहे थे कि मैं अपने सामने अपने चचेरे भाइयों को अपने दादा को किस तरीके से मार सकता हूँ। तो वहां पर कृष्ण भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और इस चित्र से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण भगवान अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म पितामह को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहां पर अर्जुन उनके पैर पकड़ते हैं, उनको भगवान जी को रोकते हैं कि आप इस युद्ध में मत आइए क्योंकि आपने ऐसा वचन दिया है कि मैं बिना अस्त्र और शस्त्र के सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का एक वक्ता बनूंगा, उसको इस पूरे युद्ध का सिर्फ ज्ञान दूंगा, ना कि अपने हाथों में युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने अलग अलग चेहरों के साथ में, अपने अलग अलग अवतार के साथ में अर्जुन को अपना जो एक साक्षात एक विराट रूप है वो दिखा रहे हैं और इस बात की प्रज्ञा दे रहे हैं कि हम लोगों को युद्ध में किस तरीके से जीतना है। कौरवों की तरफ से लड़ाई करने वाले भीष्म पितामह बहुत ज्यादा बलशाली थे, बलपूर्वक थे। जब उन्होंने पांडवों के बहुत सारे सैनिकों को मार दिया था तब उन्होंने खुद 10वें दिन अपने मृत्यु का एक राज बताया और उस राज में कहा कि यदि मेरे सामने शिखंडी को ला दिया जाए तो मैं उसके ऊपर वार नहीं करूंगा क्योंकि पिछले जन्म में वो एक स्त्री हुआ करती थी। इसी का चित्रण आप लोग बिल्कुल सामने देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अर्जुन के घोड़े के सामने शिखंडी है और उनके सामने अर्जुन लगातार एक के बाद एक जो तीर है वो भीष्म पितामह के शरीर में डाल रहे हैं और इसी की वजह से यहाँ पर हो जाती है भीष्म पितामह की मृत्यु। पहले कभी इतना पैसा नहीं आया, 5 करोड़ के 10 करोड़ है, आपका को कम से कम 600 करोड़ रुपया तीर्थों की व्यवस्था के लिए आया। जो आप ये पीछे देख रहे हो सारी महाभारत की पूरी सीनरी लगे, पूरा महाभारत का निचोड़ यहाँ पर दिखाया गया। तो ये पर सूर्य ग्रहण का मेला सबसे बड़ा, गीता जयंती मेला, हर महीने अमावस का मेला लगता है, जो लोग चले जाते हैं उनकी आत्मा शांति के लिए मुक्ति का धाम है, पितृपूजा पिंडदान का भी महत्व। कौरवों के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को था। तो 13वें दिन जब अकेले अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए गए तो वो इस प्रकार के चित्रण से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सैनिकों ने उनको घेर लिया और उस चक्रव्यूह के अंदर वो प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते करते आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर कौरवों को मारा लेकिन 7 कौरवों ने उनको उस चक्रव्यूह में घेर लिया और वहाँ पर उनको निशस्त्र देख कर उन्होंने अभिमन्यु का वध कर डाला था। कि किस प्रकार से यहाँ पर धृतराष्ट्र को संजय पूरे का पूरे युद्ध का वार्तालाप कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं और इस चीज की जो शक्ति है कि हस्तिनापुर में बैठे बैठे वो कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सकते हैं, ये वाली शक्ति वेद व्यास जी ने दी थी संजय को ताकि वो सारी की सारी होने वाली वहां की युद्ध की घटनाओं को समझा सके, सुना सके धृतराष्ट्र को। इंद्र वर्मा के हाथी का नाम था अश्वत्थामा गज
और उनकी मृत्यु हो जाती है उस युद्ध के अंदर, यानी कि पांडव उस हाथी को मार देते हैं। और अश्वत्थामा नाम ही था गुरु द्रोण के बेटे का भी, जिसकी वजह से वहां पर एक रणनीति बनाई जाती है कि गुरु द्रोण को ऐसा कहा जाए कि उनका जो बेटा है अश्वत्थामा वो उस युद्ध के अंदर मारा गया। जिस चीज का चित्रण हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से एक हाथी को मारा गया था जिसका नाम भी था अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध के 15वें दिन कौरव और पांडवों के जो गुरु थे, आचार्य थे द्रोणाचार्य, वो कौरवों की तरफ से सेनापति थे। और वहां पर युधिष्ठिर ने उनको आश्वासन दिलाया कि उनका जो बेटा है अश्वत्थामा वो युद्ध में मारा गया। और इसी चीज से काफी दुखी होकर उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र वहां पर गेर दिए, जिसका चित्रण यहाँ पे सामने आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अपने अस्त्र शस्त्र गिराने के बाद में वो अपने रथ के पीछे जाके बैठ गए समाधि की अवस्था में। और इसी अवस्था का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सिर अलग कर दिया था। यहाँ पर दान का बड़ा भारी महत्व है। यहाँ पर 13 गुना फल मिलता है, पुण्य भी 13 गुना लगता है, पाप भी 13 गुना लगता है। कोई पाप का कार्य करेगा पहली गलती माफ है, दूसरी करोगे उसको 13 गुना का भुगतान है। पर यहाँ पर जो हम दान करते हैं 1 रुपया, तो 1 रुपये के 13 रुपये गिने जाते हैं। 100 रुपया दान किया तो 1300 रुपये का दान लगता है। यदि एक गीता पाठ किया हमने, 13 गीता पाठ का महत्व है। तो 144 किलोमीटर के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था, 48 कोस की भूमि, 72 किलोमीटर इधर और 72 किलोमीटर, 144 किलोमीटर में युद्ध हुआ था। हस्तनापुर, मेठ, यूपी से कौरव लोग आए थे और दिल्ली इंद्रप्रस्थ से पांडव लोग आए थे। भगवान ने इसी धरती को क्यों चुना? बोले कि युद्ध कहीं और भी हो सकता था, कि भगवान ने 4 दूत भेजे देखो कि युद्ध कहाँ होना चाहिए। तो जो दूत यहाँ पर आए उसने क्या देखा कि किसान हल चला के बाढ़ लगा देता है, पानी लगा देता है खेत में, तो एक जगह से बाढ़ बार बार हट जाती है तो वहाँ पर पानी निकल जाता है। किसान उसकी बेटा अपने पिता को खाना देने, अपनी पत्नी अपने पति को खाना देने के लिए आती है राजा की, तो राजा ने क्या किया अपने पुत्र को पकड़ कर वहाँ पर लिटा दिया। बोले जहाँ पिता को पुत्र से मोनी है उसी जगह पर युद्ध हो। पंडित राकेश गोस्वामी, ब्रह्म सरोवर तीर्थ पुरोहित और समाज सेवी कुरुक्षेत्र। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच में होता है एक बहुत भीष्म युद्ध, और उस चीज का चित्रण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के आदेश पर अर्जुन ने मारा था कर्ण को 17वें दिन के अंदर। ऐसा बताया जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव की मृत्यु होने के शोक में इसी आश्रम में बैठकर, यहीं पर बैठकर उन्होंने महाभारत और पुराणों की रचना की। उस चीज का एक चित्रण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से महर्षि वेद व्यास जी यहाँ पर कुछ हस्तलिखित पुराणों को और महाभारत के जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ लिखित कर रहे हैं। कि गणेश भगवान जी ने महाभारत की सभी चीजों को लिखा था, तो यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर, उनके बोलने पर गणेश भगवान अपने एक दांत से इस चीज को लिख रहे हैं। महाभारत की रचनाओं को इन्होंने खुद हस्तलिखित ही किया था। महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था, और अंतिम दिन जब भीम ने दुर्योधन को लड़ाई के लिए ललकारा तो दुर्योधन उससे बचने के लिए एक तालाब में जाकर छुप गया था, एक सरोवर में जाकर छुप गया था। वर्तमान में वो जो सरोवर है वो जींद के 21 नामक पॉइंट पर पड़ता है, और जिसको व्यास सरोवर और धुंडू सरोवर या तालाब के नाम से भी जाना जाता है। उसी चीज का जिक्र यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से किया गया है कि किस प्रकार से पांडवों की तरफ से भीम ने दुर्योधन को ललकारा और गदा युद्ध में उसको रणभूमि में आने के लिए कहा। तो यहाँ पर जो दुर्योधन था वो केवल एक ही ताकत से मर सकता था यदि उसकी जांघों पर जोर से वार किया जाए तो। और इस बात का जब पांडवों को पता लगा तो वहाँ पर उन्होंने भीम ने सीधे उसकी जांघों पर वार किया, और वार करने के बाद में उनको पराजित कर दिया, दुर्योधन को हरा दिया। तो दोस्तों इस प्रकार की काफी सारी चीजें हैं यहां पर जिनको जानकर हम अपने सीधे उस 5000 साल पुराने महाभारत की चीजों को अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। यही है वो जगह जहां पर ब्रह्मा जी ने किया था यज्ञ, और यज्ञ के बाद में ब्रह्मांड की थी रचना। तो इसी पॉइंट को हम जानते हैं जहां से पूरे ब्रह्मांड की रचना की संरचना की बातचीत हमारे किदवंतियों के अनुसार, हमारे पुराने इतिहास के अनुसार हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ये वाली जगह है भगवान श्री
शिव की सर्वेश्वर महादेव मंदिर, और इस जगह पे जाने के लिए आपको इस ब्रह्म सरोवर का एक इस प्रकार का पुलिया दिखेगी, और इस पुलिया को जब आप क्रॉस करके जाएंगे तो वहां पर आप उस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं। ज्यादा सुंदर नजारा है ये, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पानी की सुंदरता, आप देख सकते हैं ये पानी कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है यहाँ पे, और सामने आप देख सकते हैं कि माँ कात्यायनी देवी का मंदिर भी आप लोगों को दिख रहा है। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर ये रोडों के बीच में जो पेंटिंग के माध्यम से चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गीता का सम्मेलन लगता है हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में। तो यहाँ पे सुबह का नज़ारा जितना ज़्यादा ठंडा और मनमोहक होता है, उससे ज़्यादा अच्छा नज़ारा यहाँ पे होता है रात के समय, शाम के समय में, जब यहाँ पे की जाती है आरती पूजन। आरती पूजन के समय में इस जगह को लाइटों से चकाचौंध कर दिया जाता है और यहाँ की रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रह्म सरोवर के उस इतिहास को जाना जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पवित्र बना है, और हम लोगों को यहाँ पर वीडियो बनाकर बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी आज। तो हम अपनी अगली वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में।